ओम शांति। सभी को दीपावली के पर्व की, नए वर्ष की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई हो। आज का युग तनाव का युग है, व्यस्त रहने का भी युग है, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में सभी हर त्यौहार भी उमंग उत्साह से मनाते हैं। कितने भी व्यस्त होते हुए भी भारत देवों की भूमि है, भगवान के अवतरण की भूमि है, इसीलिए सभी बहुत खुशी में झूमते भी हैं, क्योंकि मानव का स्वभाव खुशी और शांति वाला है। लेकिन धीरे धीरे मानव अपने आप को भूलता गया और भूलते भूलते आत्मभान के बदले देहलक्षी हो गया, और जब देहलक्षी बन गया तो उन्होंने अपनी बुद्धि को यूज़ करना शुरू किया। और आज हम देखें तो हर घर घर में हर व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, और दौड़ भी इतना रहा है कि दौड़ता ही रहता है, इतनी मेहनत करता है, थक भी जाता है। तो ऐसी जीवन के अंदर आज आध्यात्मिकता एक राह दिखाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है कि हर एक को खुद से मिलाती है। जब तक हर व्यक्ति खुद से मुलाकात नहीं करेगा, तब तक खुदा को नहीं पहचानेगा। खुद से मिलना माना अपने आप की, स्वयं की पहचान, कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और आत्मा ही शांति की अनुभूति करती है, प्रेम की अनुभूति करती है, सुख की अनुभूति करती है, आनंद की अनुभूति करती है। लेकिन जब व्यक्ति खुद को भूल गया तो अपने गुणों को भी भूल गया, शक्तियों को भी भूल गया, और उससे इतना दूर निकल गया कि आज मानो कि घर में हम देखें, जीवन में देखें, तो घर के अंदर आज पांच व्यक्ति रहते तो हैं, लेकिन हर एक अपनी अपनी रीति से चलते हैं। पहले का जो जीवन था, घर में एक संयुक्त कुटुंब था, हर व्यक्ति साथ में मिलकर उत्सव तो मनाता था, लेकिन एक दूसरे को बहुत प्यार करता था। आज प्यार है लेकिन स्वार्थ वाला प्यार हो गया है। हम देखते हैं घर में पांच व्यक्ति है, छोटा बच्चा भी है, तो भी घर में आने के बाद हर एक अपना मोबाइल लेके बैठा है, आमने सामने एक ही विजिटर रूम में बैठे हैं, लेकिन किसी को टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ बात करने का। दूसरे के साथ बात करते हैं तो जब घर के मेंबर के साथ बात करने का समय नहीं है, तो व्यक्ति को स्वयं के साथ बात करने का तो कहाँ से टाइम मिलेगा। और जब स्वयं के साथ बात करने का टाइम नहीं मिलता है तो उसकी बैटरी तो डिस्चार्ज ही होती जाएगी। जितना व्यक्ति जैसे एक स्थूल मोबाइल को यूज़ करता है तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसी जीवन के अंदर भी हम देखें तो हमारी बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है कि आज जीवन में दुख है, अशांति है, टेंशन है, भय है, चिंता है, तो ये डिप्रेशन है। तो आज ये सारी बातें बताती है कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। शक्तिशाली आत्मा कभी भी भय का अनुभव नहीं करेगी, असुरक्षा का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन वो सुख और शांति का अनुभव करेगी और सबको बांटेगी। तो अभी वर्तमान समय जो परिस्थिति बदली है दुनिया की, उस अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियाँ बढ़ती जा रही है, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। तो उस प्रतिकूलता नकारात्मकता के बीच में अगर अपने आप को पहचान लेवे, स्वयं के साथ बात करना सीखे, अपने पिता को पहचान लेवे
और पावर हाउस से हमारी बैटरी चार्ज करें तो रोज परमात्मा के दिव्य गुण और शक्ति का अनुभव होगा, और वो दिव्य गुण और शक्ति का अनुभव ही व्यक्ति को सकारात्मकता की तरफ ले जाएगा, रचनात्मक बनाएगा। आज हम देख रहे हैं प्रतिदिन हर व्यक्ति कोई सुसाइड कर रहा है, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को क्या। हाँ, देखते देखते जीवन खत्म होता जा रहा है। क्यों? एक कमज़ोर मन की निशानी है। शक्तिशाली मन बहुत सुंदर होता है, रचनात्मक होता है। वो खुद के साथ बैठ के एकांत में थोड़ी बातें करेगा, भले आधा घंटा ही क्यों नहीं, अपने आप को चार्ज करेगा, परमात्मा से बातें करेगा, अपनी खोई हुई शक्ति को पहचानेगा, परमात्मा से रिसीव करेगा। और फिर जब इतना अपने अंदर आना शुरू होता है तो व्यक्ति समाज को देना शुरू करता है, अपने परिवार को देना शुरू करता है। तो ये राजयोग में हमें सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसका राजयोग मेडिटेशन का कोर्स निःशुल्क रहता है, रोज एक घंटा, प्रतिदिन एक घंटा रहता है, ऐसे 10 दिन आना होता है। लेकिन वो जब हम बेसिक समझते हैं तो इसके अंदर स्वयं की पहचान, पिता परमात्मा की पहचान, मेडिटेशन यानी पिता के साथ कैसे कनेक्ट करना है अपने आप को, अपने समय का चक्र, जन्म की भाषा और युगों का चक्र, कर्म की परिभाषा और जीवन में अष्ट शक्तियाँ, ये सब कुछ हम समझने लगते हैं, तब आत्मा अंदर से आनंद का अनुभव कर लेती है, उसका खालीपा निकल जाता है, भरपूर होने लगती है। और जब अंदर का खालीपन निकल जाता है तो आत्मा बहुत सुंदर सुंदर अनुभव करने लगती है, फिर उसको स्थूल साधनों की दरकार नहीं रहती है, न मोबाइल की। भले कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करना है, ये साधनों को तो यूज़ करना है हमें, लेकिन जितना कारोबार है उतना ही इन्वॉल्व होके नहीं, अटैच होके नहीं। और इसीलिए आजकल आप देखो कि इतना हम प्रकृति का, साधनों का इतना अटैच हो गए हैं, शरीर छूटता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो कहीं बच्चे देखे हैं हमने कि मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं, यही संस्कार, क्योंकि उसको चाहिए ही चाहिए। तो ये संस्कार छोटे बच्चे में भी जब वो आत्मा प्रवेश करती है तो उनको वही चाहिए। तो केवल इस एक की बात नहीं है, जिस जिस के साथ हम अटैच हो जाते हैं फिर हम उसके परवश हो जाते हैं। वास्तव में हम स्वतंत्र आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, हम एक महान आत्मा है, हम सफलता स्वरूप आत्मा है, हम विजयी आत्मा है, हम निर्विघ्न आत्मा है, हम कर्ज मुक्त आत्मा है। ऐसे अच्छे अच्छे समान जब जीवन में पलकने लगते हैं तो हर क्षेत्र में प्रगति ही प्रगति रहती है, और हमारा हर कार्य के अंदर कोई भी जगह प्रश्नचित्त नहीं रहेंगे, हम प्रसन्नचित्त रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, केयरफुल रहेंगे। तो आइए अपने साथ इस दिवाली में, नए वर्ष में ऐसे नए वस्त्र पहनिए कि जहाँ हमारा स्वभाव और संस्कार दोनों परिवर्तन हो जाए। इतना सुखमय संसार जो भारत भूमि एक दिन स्वर्ग भूमि कहलाती थी, वही भारत को हम फिर से स्वर्ग भूमि कहलाए, ऐसे हम मानव में से देव बने, सबको सुख दे, सबको प्यार दे, आनंद बांटे, ऐसी एक दुनिया जिस दुनिया का गायन था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, जहाँ हर नर नारायण जैसा था, हर नारी श्री लक्ष्मी जैसी थी, हर बालक कृष्ण जैसा था, हर बालिका राधा जैसी थी, वो भारत देश था मेरा। क्या हम ऐसा भारत नहीं चाहते हैं? अगर ऐसा भारत बनाना है, हर एक की जिम्मेवारी है, मुझे बदलना है, मुझे सहन करना है, मुझे समाना है। ऐसी शक्तियाँ जब हमारे अंदर पलकने लगेगी तो भारत को स्वर्ग बनाने में कोई देरी नहीं लगेगी। लेकिन
इसके लिए फिर से मैं कहूँगी कि खुद को तो जानना ही पड़ेगा, खुद के साथ बातें करनी पड़ेगी, अपने को पिता के साथ पहचान के उसके साथ कनेक्ट होना है। एक बैटरी को चार्ज किया जाता है, वैसे अपने आप को रोज़ चार्ज करो, आधा घंटा रोज़ खुद से बात करो, पिता से बातें करो, शक्तियों का चिंतन करो, अपने गुणों का चिंतन करो, देखिए फिर जीवन कितना शुद्ध सात्विक पवित्र बनता जाता है और बहुत सुखी हो जाएंगे। क्योंकि जीवन में चार पहलू हैं, हर इंसान चारों पहलू में सुखी अपने आप को देखना चाहते हैं। एक तो पर्सनल लाइफ आपकी बदल जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, सोशल लाइफ भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और फैमिली लाइफ भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये चारों लाइफ में हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो कितनी दुआ मिलेगी। कहते हैं ना कि दवाई से भी दुआएं ज़्यादा काम करती है, क्योंकि हमने देख लिया कोरोना में कि आज डर और भय के कारण कितने लोगों ने शरीर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मन कमज़ोर था, तो डर और भय की एनर्जी इतनी बढ़ गई, पूरे ब्रह्मांड में बढ़ गई, तो जितनी कमज़ोर आत्मा थी उसका शिकार बन गई। लेकिन ऐसे ही हम सब साथ मिलके पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करके सारे ब्रह्मांड में फैलाए, ताकि थोड़ी कमज़ोर आत्माएं जो है अभी, वो आत्माएं भी उस पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स के माध्यम से वो भी पॉजिटिव बन जाए, सकारात्मक बन जाए, स्ट्रांग बन जाए। क्योंकि जब राजयोग हम सीखते हैं तो हमारी इनर ब्यूटी डेवलप होने लगती है। इनर ब्यूटी ही हमारी है गुण और शक्तियाँ, और हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में हम टूटेंगे नहीं, हम खुद शक्तिशाली रहेंगे। तो हमको देख के दूसरा भी वही सीखेगा। तो हम सबकी जिम्मेवारी है, एक की जिम्मेवारी नहीं है। मानव को मानव बनाना है, मानव दानव बन गया है। क्या मानव को हम मानव नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन फिर से वही संकल्प कि हमें शक्तिशाली बनना है। तो आइए फिर से अपने आप की एक ज्योति जगाने का संकल्प कीजिए। आज दीपावली के दिन एक अच्छा सोच अपने अंदर नई प्रेरणा के साथ डालिए कि मुझे कैसा बनना है। मुझे मानव में से देव बनना है, नर में से नारायण बनना है, नारी में से लक्ष्मी बनना है। तो ऐसे अपने आप को शुद्ध संकल्पों के साथ नए वस्त्र धारण करेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी अरुणा भी है, ब्रह्मा कुमारी अटलाद्रा संचालिका। ओम शांति।